अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न मुलाहजा करें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रंगत में चमक दमक थी। सुभान अल्लाह। आगे आप फरमाते हैं, आपके पसीने के कतरे मोतियों की तरह थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं, जब आप चलते, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चलते थे तो आगे की तरफ झुककर चलते थे। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाते हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हथेली से ज़्यादा नरम दीबाज और रेशम को भी नहीं पाया। सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बदन अतहर से ज़्यादा मुअत्तर कस्तूरी या अंबर की खुशबू भी नहीं सूंघी। सुभान अल्लाह। ऐसा था मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बदन अतहर। काश एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार हम गुनहगारों को नसीब। आमीन रब्बल आलमीन।